तो गुड इवनिंग स्टूडेंट तो आज आम इंटीग्रेशन 9F रो पार्ट टू वीडियो देखा पार्ट वन वीडियो आम ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी तो फर्स्ट पार्ट वन वीडियो देख तापर तुम पार्ट टू वीडियो देखले तुम आराम से बुझीपर है तो पार्ट वन वीडियो आम एक नंबर दुई नंबर तीन नंबर कंप्लीट कर सारी ए नंबर फोर आउ नंबर फाइव को कंप्लीट करवा है देखो स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करवा आगु आम यही सब क्वेश्चन करवा तो यही सब क्वेश्चन पर जो फर्मुला दरकार मुझे ऑलरेडी लिखिदेगी तो वन बै और डीएक्स बै ए स्क्वयर माइनस एक्स स्क्वयर इज गोटे फर्मुला कौन वन बै टू ए लन एक्स माइनस ए बै एक्स प्लस ए प्लस सी है तो चल स्टार्ट करवा तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट डीएक्स बै थ्री माइनस एक्स स्क्वयर तो चल स्टूडेंट क्वेश्चन को फर्स्ट स्टांडार्ड फर्म लिखा तो थ्री को कौन लिखा रुट थ्री रक्वयर यही फर्म लिख ए रक्वयर माइनस एक्स रक्वयर माइनस एक्स रक्वयर तो क्वेश्चन स्टांडार्ड फर्म आसगला चलो फर्मुला पकाओ तो वन बै टू ए हूँ रुट थ्री लन एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस रुट थ्री बै एक्स प्लस रुट थ्री प्लस सी बुझिपाल स्टूडेंट ये हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आंसर ए सेकेंड क्वेश्चन कौन दे स्टूडेंट डीएक्स बै सेवेन माइनस एक्स स्क्वयर प्लस सिक्स एक्स देख स्टूडेंट मुझे तुमको आगे भी कही जो भी क्वेश्चन यही फर्म्रे थी क्वाड्रेटिक फर्म्रे कौन करवा परफेक्ट स्क्वयर करवा तो सेवेन माइनस एक्स स्क्वयर प्लस सिक्स एक्स है तो आपको जो तुम आरेंज कर लिखुच माइनस एक्स स्क्वयर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवेन है तो माइनस कमन नहीं जाओ एक्स स्क्वयर माइनस सिक्स एक्स माइनस सेवेन चलो स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वयर करवा तो एक्स स्क्वयर माइनस टू ए तो बी के स्टूडेंट थ्री प्लस बी स्क्वयर तो थ्री रक्वयर प्लस नाइन माइनस नाइन आउ माइनस सेवेन तो माइनस यू ये देख स्टूडेंट मुझे लिखिपरि एक्स माइनस थ्री रोल स्क्वयर माइनस माइनस नाइन माइनस सेवेन तो माइनस नाइन माइनस सेवेन हूँ आम के माइनस सिक्सटन के स्टूडेंट माइनस सिक्सटन तो देख स्टूडेंट जो ब्राकेट ओपन कर दूसरी सिक्सटन माइनस एक्स माइनस थ्री रोल स्क्वयर आम सिक्सटन को कौन लिखिपरि पारे फोर रक्वयर माइनस एक्स माइनस थ्री रोल स्क्वयर बुझल स्टूडेंट तो चलो स्टूडेंट तो ये फर्मुला पुट करवा तो डीएक्स बै एक्स स्क्वयर माइनस एक्स स्क्वयर स्क्वयर माइनस एक्स स्क्वयर तो एक फोटो तो वीडियो पज कर लिखी दिव स्टूडेंट ये फास्ट तो देख स्टूडेंट टिके फर्मुलार मिस्टेक होती चेक कर दे तो आम फर्मुला कौन ये नंबर फाइव टा एक्चुअली आम नंबर फाइव टा स्टार्ट कर देचु है ना तो देख स्टूडेंट आम फर्मुला कौन ए स्क्वयर माइनस ए स्क्वयर र ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स तो ये फर्मुला कौन हो स्टूडेंट ए प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स रो वन बै टू ए तो कैसे हो स्टूडेंट रूट थ्री प्लस एक्स रूट थ्री माइनस एक्स बुझ पाल स्टूडेंट तुम गोटे चेक कर दूचे रुट थ्री प्लस एक्स रुट थ्री माइनस एक्स है ठीक अच्छे चलो स्टूडेंट तो जहाँ भूल मुझे ठीक करदे ए स्क्वयर माइनस ए स्क्वयर फर्मुला कौन वन बै टू ए प्लस एक्स डिवाइड बाय ए माइनस एक्स तो स्टूडेंट टिके फर्मुला गोटे टिके भलसे ध्यान रखा ट्राए कर कहीं देखो टिके मिस्टेक पूरा जिनसा रंग होगा तो चलो स्टार्ट करवा हाँ तो ये फर्मुलाटे कौन है स्टूडेंट फोर स्क्वयर माइनस एक्स माइनस थ्री होल स्क्वयर बुझे स्टूडेंट तो ये डायरेक्ट फर्म ना डायरेक्ट फर्म मैंने ये खाली एक्स ना तो आम एक सब्स्टिट्यूट ना है तो सब्स्टिट्यूट नहीं सल्व करवा तो देख स्टूडेंट कौन करवा कहे एक्स माइनस थ्री को आल्फा नहीं जाओ तो लेट एक्स माइनस थ्री हूँ आम आल्फा डेरिवेटिव हूँ वन तो वन डी एक्स इज इक्वल टू डी आल्फा तो चलो अप्लाय कर तो डी आल्फा डिवाइडेड बाय फोर र स्क्वायर माइनस आल्फा र स्क्वायर तो देख स्टूडेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म रे आसीगला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो फॉर्मूला कौन वन बै टू ए हूँ के फोर लॉन ए प्लस एक्स तो मीन्स फोर प्लस आल्फा डिवाइड बाय फोर माइनस आल्फा प्लस सी तो वन बै एट लॉन फोर प्लस आल्फा आल्फा हूँ एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री फोर माइनस आल्फा एक्स माइनस थ्री प्लस सी तो देख लो स्टूडेंट आपको चाहिए तुम सिंप्लीफाई भी करपर तो लॉन के स्टूडेंट फोर माइनस सेवेन तो एक्स फोर माइनस थ्री वन तो एक्स प्लस वन तो यहाँ के स्टूडेंट फोर माइनस एक्स है माइनस एक्स माइनस वन प्लस सी और या कोई एमती लिखिपर वन बै एट लॉन वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स
plus c. Yes, fellow student. So video pause kari likhi diyo. So fellow student, ek tikke mistake hai chhe. 4 minus x hoche eta rahela minus x 4 minus of minus. To eta kete student amra 7 heuche. 7 minus x hala. So video pause kari likhi diyo. Tamara number 1 number 2 complete he gala. तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै छी इंटीग्रेशन ऑफ x minus 5 डिवाइडेड बाय 7 minus x स्क्वायर प्लस 6x तो देखो स्टूडेंट एकोटी अरेंज करी लिख दियो x minus 5 minus x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 तो देखो स्टूडेंट मु कोन कर छी एडु x कॉमन नै सॉरी माइनस टा कॉमन नै जाओ तो x minus 5 तो माइनस का कॉमन नहीं हो तो माइनस बाहर ही गला तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 तो स्टूडेंट एडी कौन करिवो फर्स्ट तो देखो स्टूडेंट ए टाइप रे क्वेश्चन को फर्स्ट कौन करिवो तो माइनस बाहर ही थाउ दीटा पार्ट रे इंटीग्रेशन डिवाइड कर दियो x बाय x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 गोटे पार्ट माइनस 5 1 बाय x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 ये गोटे पार्ट व्हिच फॉलो स्टूडेंट टोटल दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दबो एबे देखो स्टूडेंट जदि ऊपर किछ नाही माने x नाही त कोन करिवो एटा परफेक्ट स्क्वायर करिवो एबे एटा कोन करियो स्टूडेंट देखो एटा को तुम x एआर तळर डेरिवेटिव देखो तळर डेरिवेटिव कते होछ स्टूडेंट 2x minus 6 तो 2 इनटू करूछि 2 डिवाइड करूछि minus 6 आउ plus 6 बुझ पला स्टूडेंट तो देले कोन हला देखो स्टूडेंट माइनस बाहर रहला तो 1 by 2 तो 2x minus 6 by x square minus 6x minus 7 ये गोटे पार्ट plus 6 by 1 by x square minus 6x minus 7 dx ये गोटे पार्ट which follow student एटा कुन दीटा पार्ट डिवाइड कर देली एटा जमती अच्छे संख्या रखा minus 5 1 by x square minus 6x minus 7 dx which follow student एबे देखो स्टूडेंट तो माइनस रहिला तो एटा केते होचे 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x minus 6 by x square minus 6x minus 7 dx तो स्टूडेंट ए 1 by 2 एठी इतलो मल्टीप्लाई करिवो तो केते हो स्टूडेंट 2 3 कटी गला तो 3 1 by x square minus 6x minus 7 minus 5 1 by x square minus 6x minus 7 dx मुझ पर स्टूडेंट एबे देखो स्टूडेंट यार आंसर आदमस बाहर जो काय तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 या डेरिवेटिव केते x स्क्वायर रो 2x माइनस 6 तो तळर डेरिवेटिव जदी ऊपर थिवो त हम आंसर कोन हो स्टूडेंट माइनस 1 बाय 2 कोन लिखियो लॉन डिनोमिनेटर तो या काम कंप्लीट देखो स्टूडेंट एडा माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 dx देखो परफेक्ट स्क्वायर करी सॉल्व करिवा देखो परफेक्ट स्क्वायर करले केते हो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 रो स्क्वायर प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7 तो एडु एति की होच करते स्टूडेंट x माइनस 3 रो होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7 तो माइनस 9 माइनस 7 होची माइनस 16 तो माइनस 4 रो स्क्वायर तो कौन हो स्टूडेंट माइनस 1 बाय 2 ln x square minus 6x minus 7 minus 2 integration of 1 by x minus 3 rho square minus 4 rho square dx which follow student the video pause kari likhi diyo first eti dekho student abhi ekko kon kariya kemi solve kariya तो माइनस 1 बाय 2 तो माइनस तो होल रे अछि तो ln x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 माइनस 2 तो देखो स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो हमर यार भी फार्मूला अछि तो यार फार्मूला अछि कि जोडा हमें नंबर 4 रे पढिबा तो यार फार्मूला कोन तो एठी हम कोन नै जेबा x माइनस 3 को नै जे स्टूडेंट अल्फा dx इज इक्वल टू d अल्फा तो देखो स्टूडेंट ई पार्टटा कोन हो स्टूडेंट हमर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर d alpha तो यार अभी हमारा formula अच्छी direct तो इधर जिम्मती minus 1 by 2 ln x square minus 6x minus 7 minus 2 तो हमारा formula constant
1 by 2a ln alpha minus a alpha plus a plus c. Which one, student? The answer khatam. Bracket open kar diyo. Minus 1 by 2 ln x square minus 6x minus 7. 2 2 cancel. Minus 1 by. So, student, ye minus a minus. So, kaun hi jo? Plus ln alpha. Alpha jagar likhi diyo, student. X minus 3 minus 4. X minus 3 plus 4 plus c. The final answer kitha student amara? Minus 1 by 2 ln x square minus 6x minus 7 plus 1 by 4 ln x minus 7 divided by x 4 minus 3. So x plus 1 plus c. Which one, student? The video pause kari likhi diyo. अब लास्ट दीटा क्वेश्चन रहला स्टूडेंट किन सॉल्व करियो तो देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रहला हमरा इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 तो 3 को हम लिख परबे √3 रो स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा रो स्क्वायर d थीटा तो स्टूडेंट sin थीटा को अल्फा नहीं जाओ sin theta को मुनेगुले alpha, sin theta derivative cos theta d theta is equal to d alpha. चलो, apply करो. तो cos theta d theta is equal to d alpha divided by root 3 रो square minus alpha रो square. तो student, यह formula रहसी होला, a square minus a square. तो formula 1 by 2a ln a root 3 plus alpha divided by root 3 minus alpha plus c. तो 1 by 2 root 3 ln root 3 plus alpha, alpha which is sin theta minus root 3 minus sin theta plus c. Which one, student? Easy question है थिला, तो वीडियो पॉज करें लिखी दियो, अब गुट्टे question रहिला, तब रहा हमें number 5 complete. तो देखो student, ये वोड़ important question था, कौन दीचा हमरा? Integration of x cube divided by x4 plus 3x square plus 2 dx हला तो देखो स्टूडेंट तुम सॉल्व करिवे तुमको टिक के सिंपलीफाई कर दो छि x cube लिख छि x square into x divided by x4 को लिख छि x square square plus 3x square plus 2 dx तो कोन कर ले लेट x square is equal to alpha हे डेरिवेटिव नै जाओ 2x dx is equal to d alpha 2 को सपोर्ट को शिफ्ट कर दियो x dx is equal to 1 by 2 d alpha चलो स्टूडेंट तो ये ध्यान से देखो x square को हमें कौन नहीं चुका alpha x dx जगह में लिखो जी 1 by 2 constant बाहरे d alpha divided by x square जगह alpha तो alpha square plus 3 alpha plus 2 बुझ पाला स्टूडेंट तो क्वेश्चन इस फॉर्म में ऐसे होला है ना तो अब देखो स्टूडेंट मैं कौन कर ची देखो स्टूडेंट तळर डेरिवेटिव केते हम ट्राई करसी क्रिएट करे पे तळर डेरिवेटिव होच कोन 2 अल्फा प्लस 3 केते होस्ट 2 अल्फा प्लस 3 तो हम कोन करली 2 इनटू करली 2 डिवाइड करली अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 तबरे प्लस 3 करली माइनस 3 करली बुझ पाला स्टूडेंट जितरो भी तमो पाखरे अल्फा अछि ऊपर ए अल्फा के एक्स बनचु छी तो तळर आंसर टाक ऊपर क्रिएट करया पे ट्राई करबो तो ए टाइप रे किछ हैला देखो स्टूडेंट एबे कोन करिवा 1 by 2, 1 by 2, तो 1 by 4 integration of, तो कौन हैला 2 alpha plus 3, 2 alpha plus 3 divided by alpha square plus 3 alpha plus 2 d alpha, एटा वोड़े part, minus 3 integration of 1 by alpha square plus 3 alpha plus 2 d alpha, हैला, तो देखो स्टूडेंट भाई तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो यार आंसर त हम जाना पड़ेला ln डिनोमिनेटर एंड अल्फा स्क्वायर डेरिवेटिव 2 अल्फा 3 अल्फा डेरिवेटिव 3 आउट 2 रो तो 0 तो तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो आंसर कोन होबो 1/4 ln अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 3/4 फुल्ली 1/4 मल्टीप्लाई कर देले 1 देखो टाक कोन केमथि करबा तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म रहछि क्वाड्रेटिक फॉर्म रहले परफेक्ट स्क्वायर करबा तो ये ड्रॉ फ्रेम कर दउ छी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 तो कौन लिखे स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2a तो b केते हो 3/2 प्लस तो b रो स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2 वे 8 होती कि जदी मु देखिबी अल्फा प्लस
3/2 रो होल स्क्वायर वे एटा को सिंपलीफाई करो केते हो स्टूडेंट एती पार्ट को तो -9 + 8/4 तो -1/4 तो -1/4 को 1/2 रो स्क्वायर तुम कोन लिखली अल्फा प्लस 3/2 रो स्क्वायर -1/2 रो स्क्वायर बुझ पाला स्टूडेंट तो चलो एबे डायरेक्ट फार्मूला पकेवा तो एटा को एक्स कंसीडर करो एटा को अल्फा एटा को ए बोली कंसीडर करो बुझ पाला स्टूडेंट ए पार्ट को तुम एक्स बोली कंसीडर करो ए पार्ट को तुम ए बोली कंसीडर करो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अछि ए फार्मूला सॉरी कौन अछि स्टूडेंट देखो हां तो आउडे फार्मूला अछि हमर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अछि हैला तो सही फार्मूला पुट करबा तो 1/4 ln अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 3/4 तो फार्मूला पका 1/2 ए ये होछि 1/2 ln ए टोटल को एक्स बोली कंसीडर करछि तो एक्स x plus x minus a by x plus a which one student edim ko formula use karli yara era alga formula ta yara mane different formula ta x square minus a square tamar gode formula student dx by x square minus a square to ta formula kon 1/2 a ln x minus a by x plus a plus c which one student to e formula use karche to x jagare x minus a x ए टोटल पार्ट को मैं x बोली कंसीडर कर छी व्हिच वन स्टूडेंट तो ये फार्मूला यूज करा है छी तो 1/4 ln अल्फा अल्फा जगह रे अल्फा को छ हमर x स्क्वायर तो x स्क्वायर रो स्क्वायर x4 + 3x स्क्वायर + 2 माइनस तो स्टूडेंट 2 कैंसिल तो 3/4 ln अल्फा अल्फा केते हो स्टूडेंट x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 1/2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c तो फाइनली हमारा आंसर कितना आसला 1/4 ln x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3/4 ln केतो देखि जे स्टूडेंट x स्क्वायर तो एडा एलसीएम 2 अछि 3 माइनस 2 तो 2/2 तो प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर 4/2 तो प्लस 2 प्लस c हला आई होप स्टूडेंट तुम नंबर 5 रो क्वेश्चन बडा आराम से बुझी पारथिबो तो वीडियो पॉज कर लिख दियो नेक्स्ट टाइम नंबर 6 सॉरी नंबर 4 रो क्वेश्चन बडा सॉल्व करबा तो देखो स्टूडेंट तोडा हमर नंबर 4 को आसीबा नंबर 4 तुम फर्स्ट नंबर 5 टा कर दिछि तबरे नंबर 4 टा कर छला तो ठीक देखो स्टूडेंट तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो फार्मूला कोन 1/2 a x माइनस a बाय x प्लस a तो सेम सिमिलर फार्मूला छ तो ठीक ध्यान से देखियो नले मिस्टेक हे जइबो हला तो चलो स्टूडेंट सॉल्व करबा तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि dx बाय x स्क्वायर माइनस 5 dx बाय x स्क्वायर माइनस 5 तो स्टूडेंट एको सॉल्व केन करबा तो dx by x x square minus 5 को कोन लिखबी root 5 रो स्क्वायर तो स्टूडेंट ये हमर स्टैंडर्ड फॉर्म रे आसी गला तो तुमको क्वेश्चन को कोन करयर छै टाणी की स्टैंडर्ड फॉर्म कोन करयर छै तापर फार्मूला पकेयर छै आउ किछ नै तो 1/2 a root 5 ln x minus root 5 by x plus root 5 कंप्लीट किछ नै देखो स्टूडेंट क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म रे करली आंसर पकेली हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो dx by कोन दै छै 2x square 8x plus 7 चलो स्टूडेंट एको कोन करिया परफेक्ट स्क्वायर करिया तो कोन लिखा 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 तो 2 कॉमन नी जाओ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 बाय 2 तो 2 बाहर रहला चलो परफेक्ट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a तो b केते हो स्टूडेंट 2 का 2ab तो मल्टीप्लाई करले 4x होची तो 2 रो स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 7 बाय 2 तो 2 को 2 रहला 8 एति की देखो स्टूडेंट x plus 2 रो होल स्क्वायर वीडियो सिंपलीफाई करो -4 + 7/2 तो एलसीएम होचि 2 तो -8 + 7 तो -1/2 तो -1/2 केतो स्टूडेंट -1/2 तो -1/2 को 1/√2 रो स्क्वायर व्हिच वाला स्टूडेंट चलो इंटीग्रेशन ऑफ dx by तो 2 कॉमन नहीं गले तो 1/2 बाहर कर देली x plus 2 रो स्क्वायर minus 1/√2 रो स्क्वायर हला चलो अगर सब्स्टिट्यूट नबा तो x plus 2 को मुने गले अल्फा या डेरिवेटिव 1 तो 1 dx is equal to d अल्फा तो 1/2 d अल्फा by अल्फा स्क्वायर minus 1/√2 रो स्क्वायर तो स्टूडेंट आसी गला स्टैंडर्ड फॉर्म रे
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म रे तो हम आंसर कहते हो स्टूडेंट 1/2a ए हो छि कोन स्टूडेंट हमर ए हो छि हमर 1/√2 ए पार्टटा हो छि हमर ए लॉग x x मींस अल्फा माइनस ए बाय अल्फा प्लस ए प्लस सी तो देखो स्टूडेंट केते हो छि √2 ऊपर पड़ेला √2/2 × 2 4 लॉन एटा हो जे एलसीएम ने होचो √2 अल्फा माइनस 1 तो एटा केते हो छि स्टूडेंट √2 अल्फा प्लस 1 बुझ पाला स्टूडेंट अल्फा √2 √2 कैंसिल हो गेला तो एटा को कैंसिल कर ले तमर केते हो स्टूडेंट 1/2 √2 लॉन √2 अल्फा अल्फा हो छि स्टूडेंट x प्लस 2 माइनस 1 √2 x प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी बुझ पाला स्टूडेंट तो केते इजीली सॉल्व हो गेला तो वीडियो पॉज करके लिखो स्टूडेंट चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सॉल्व करिवा तो क्वेश्चन कोन दिछि 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर 8x प्लस 7 dx तो देखो स्टूडेंट एटा एक ट्रिकी क्वेश्चन टा को करू देखो स्टूडेंट ठीक है ट्रिक यूज करूची तो 4x स्क्वायर 20x को लिखु छी 16x प्लस 4x लिख परबी 20 को 16 प्लस 4 एडा लिखियु स्टूडेंट 14 प्लस 14 प्लस केतो स्टूडेंट 13 4 3 7 सॉरी 12 11 हला डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx हला तो स्टूडेंट एंते काई मांगिले तमे नेक्स्ट लाइन रे बुझी जेबो तो याकू याकू आउ याकू कंबाइन करो 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कौन स्टूडेंट 4x प्लस 11 कौन मतलब स्टूडेंट 4x आउ 11 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx तो स्टूडेंट तो एडी मु कोन करली तो स्टूडेंट एडी जदी मु 2 कॉमन नै होची तो कौन रहला स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 देखो स्टूडेंट तो टोटल टर्म ता कटी गला तो खाली कौन रहला 2 dx बुझ पाला स्टूडेंट हला तो यार आंसर केतो स्टूडेंट 2x हला एटा कंप्लीट हे गला प्लस एबे याको केमथि करियो एको इंडिविजुअल कर दियो 4x बाय 2x स्क्वायर तो स्टूडेंट इंडिविजुअल करे अगर गोटे इनसे मार्क करो तो डेरिवेटिव केते होची 4x प्लस 8 तो 4x प्लस 8 को मु 11 को कोन लिखली 8 प्लस 3 बुझ पाला स्टूडेंट तो देले कोन स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बुझ पाला स्टूडेंट तो प्लस तो यार मेंटेशन कर दीजिए एबे देखो स्टूडेंट एबे 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 dx हला एबे देखो स्टूडेंट तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि जे तळर डेरिवेटिव ऊपर हो छै तले आंसर कोन आसीबो लॉन डिनोमिनेटर हला तो देखो कोन करे सॉल्व करे स्टूडेंट तो फर्स्ट आंसर हमर बाहरी अछि ऑलरेडी मु लिखि दे छी 2x प्लस एबे यार आंसर तळर आंसर ऊपर अछि तो लॉन डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 प्लस 3 देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन जस्ट हमें प्रीवियसली कर लो 2x स्क्वायर 8x प्लस 7 dx परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व करियो हला स्टूडेंट तो कौन करियो परफेक्ट स्क्वायर करले कौन आस्तला तो फर्स्ट मु 2 कॉमन नहीं होची तो 3/2 बाहर कर देली dx / x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7/2 हला तो प्लस 3/2 तो स्टूडेंट ये आंसर सॉल्व हो जाइछि dx / तो कौन लिखे स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7/2 तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4 माइनस 4 प्लस 7/2 तो कते होला स्टूडेंट x प्लस 2 रो होल स्क्वायर एडो सॉल्व सिंपलीफाई करो स्टूडेंट तो माइनस 8 प्लस 7/2 तो माइनस 1/2 तो माइनस 1/√2 रो होल स्क्वायर तो 3/2 तो एटा को x कंसीडर करो एटा को a कंसीडर करो तो हम फार्मूला कोन 1/2a ln
x minus a by x plus a, which follow student, plus c. The plus, it will simplify color kete student, dekho, root 2 pulo pulela, 3 root 2 by 4 ln, it will LCM negale kete student, root 2 x plus 2 minus 1 by root 2 x plus 2 plus 1 plus c. Eko kota koti kariwa, simplify kari, complete kariwa. Which follow student, yeho ta amo final answer, 2x plus ln 2x square plus 8x plus 7. एको चाहिले आउरी भी simplify करियो. तो simplify करले एटा केते आछ स्टूडेंट कटि गेले तळे आसीबो 2 root 2 बुझ पर स्टूडेंट. तो ये हो हमरो फाइनल आंसर हला. तो वीडियो पॉज करी लिखि दियो. नेक्स्ट देखो आ दुटा क्वेश्चन रहला तो ये टॉपिक को हमें एंड करबा. तो देखो स्टूडेंट नंबर 4 क्वेश्चन एटा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टा कोन देछि integration of e to the power x divided by e to the power 2x plus 3 e to the power x plus 1 dx. तो इटी कौन करो स्टूडेंट? Let e to the x को नहीं जाओ alpha, e to the x को लेट e to the x dx is equal to d alpha. दिलो कौन स्टूडेंट देखो? E to the power x dx e to the 2x को लेकर भी e to the x रो square plus 3 e to the power x plus 1. तो कहते हो स्टूडेंट e to the x dx जगह हम कौन लिखबे d अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 1. देख पाछ स्टूडेंट क्वेश्चन कहते सिंपलीफाई हेगला एबे क्वाड्रेटिक फॉर्म रह छि तो परफेक्ट स्क्वायर हला. तो परफेक्ट स्क्वायर करो अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 1. तो कौन हो स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2a b कहते हो 3/2 प्लस यार स्क्वायर तो 9/4 प्लस करला माइनस करिवो प्लस 1. तो एटु नेके इति जाय alpha plus 3 by 2 rho whole square. एड़े के तो स्टूडेंट minus 9 plus 4 by 4. तो minus 5 by 4. तो minus root 5 by 2 rho whole square. विच वाला स्टूडेंट square form रे लिखिवा रचे. तो integration of d alpha divided by alpha plus 3 by 2 rho square minus root 5 by 2 rho whole square. तो इटा को तुम्हें x वाली कंसीडर करो इटा को a वाली कंसीडर करो. तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो फार्मूला यूज करियो. तो लिख दियो स्टूडेंट. तो कौन होगा स्टूडेंट 1/2a a होच केते √5/2 ln अल्फा. तो इटा को मैं x वाली कंसीडर कर छी तो अल्फा प्लस तो x माइनस a a होच केते √5/2 alpha it whole term to x value have plus root 5 by 2 plus c 2 cancel. To kete student dekho 1/√5 ln to alpha jagar value likh dio e to the x plus 3/2 minus root 5 by 2 divided by e to the x plus 3/2 plus root 5 by 2 plus c. Which follow student to use the final answer hala. वे लास्ट ऑफ क्वेश्चन रहला देखो स्टूडेंट. तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन टा इजी क्वेश्चन टा अछि हला. तो टिक्के जस्ट ट्रिकी अछि. तो कोन अछि स्टूडेंट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1. तो हमें आराम से लिख परबा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा अछि. हम फार्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और तळे जा अछि लेखो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 ताको प्रॉपर फॉर्म रे लिखिबा sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइड बाय 10 स्क्वायर थीटा को हम लिखो छि 10 थीटा रो होल स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर हला. दो स्टूडेंट आसी वाला प्रॉपर फॉर्म रे बस एबे 10 थीटा को अल्फा नि जाओ कारण 10 थीटा डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा ऊपर प्रेजेंट अछि. 10 थीटा इज इक्वल टू अल्फा 10 थीटा डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू d अल्फा. तो कोन लिखे स्टूडेंट d अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर. तो प्रॉपर फॉर्म रे आसी वाला तो 1/2a ln alpha minus a by alpha plus a plus c. तो 1/2 ln alpha alpha कितने स्टूडेंट 10 theta minus 1 divided by 10 theta plus 1 plus c हला. I hope स्टूडेंट तुम वीडियो पर आराम से बुझी पाते हो एंजॉय भी करते हो हला. तो इतनी भी तरह हमारा एक्सरसाइज 9F रहा पार्ट 2 वीडियो भी कंप्लीट हो गया हला. तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट.